एके मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मिश्रा जी का बहुत स्वागत। बात एके मिश्रा साहब से शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास आऊंगा। मिश्रा जी, एक परसेप्शन बन रहा है, एक धारणा बन रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव खुला हुआ है, हालांकि मंचों से कहा जा रहा है कि चुनाव बंद हो गया। अब केवल केक बन गया है, उसके ऊपर टॉपिंग हो रही है। सृष्टि काश्यप जानती होंगी अच्छे से, ठीक है ना, कि उसके ऊपर की सजावट हो रही। ना ना, समझदार लोग करें, अभी केक बने ही नहीं, अभी तो माइक्रोवेव के अंदर है, वो घूम रहा है। मंच पर कहा जा रहा केक बन गया, हम टॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन खुला है, तो यहीं से फिर ब्लॉक होगा, स्वाभाविक है। कैसे देख रहे हैं इस छठे और सातवें चरण की लड़ाई? देखिए, ये जो अंतिम चरणों की लड़ाई है, एक पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो ये जो अंतिम चरण की लड़ाई है, ये इस कहावत के ऊपर के इर्द गिर्द घूम रही है। इस चुनाव में दो क्लियर कट युद्ध के मैदान रहे हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रभाव हो सकता है उतना ना रहा हो, उनका राह निष्कंटक नहीं था, लेकिन जो कांटों भरा रास्ता था वो भाजपा ने पूरा कर लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सीधे सीधे ये बोला जा सकता है कि इनके लिए अब चढ़ाई नहीं है, अब दिक्कतें नहीं है, और हो सकता है अंतिम चरण के ये जो चुनाव है वो भाजपा की नैया को एकदम क्लियर कट तरीके से वैतरणी से पार करवा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में न किसान आंदोलन का कोई फैक्टर है, कोई इतना बड़ा और दूसरी पार्टी या द्वितीय या तृतीय पक्ष नहीं है, राजनीतिक या गैर राजनीतिक। वहां पे सपा का भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, सपा भी अपने आप को सेंट्रल यूपी या पश्चिमी यूपी के भरोसे, सपा ने भी अपने मंसूबे जो बांधे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भरोसे उन्होंने जो है सत्ता का ख्वाब वहां तक लखनऊ तक पहुंचने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भरोसे देख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव फैक्टर अभी अंतिम चरण के चुनावों में नहीं है, इसलिए बीजेपी वाले ज्यादा आशान्वित है। और पहले पारी का गेम होना था वो चुके हैं। रेट कई चरणों में 90% से ऊपर था मिश्रा जी, लेकिन छठे और सातवें चरण में जाकर इनका सक्सेस रेट 50% के बेंचमार्क को नहीं छू पाया 17 में। तो कोई तो कारण होगा ना, होगा ना। मसला इतना सरल नहीं, पूरब कभी इतना सरल नहीं रहा, अगर आप बोलने की इजाजत दें तो मैं बताता हूं। 2017 और 2000 आज का जो चुनाव है, ये दोनों में बड़ा फर्क है। 2017 में जो माहौल था वो होमोजीनियस था, लगभग हर आदमी इस चीज को मान रहा था कि भाजपा की विजय तय है, चाहे पूरब रहा हो चाहे पश्चिम रहा हो, प्रॉफिट या लॉस कहां कितना हुआ परसेंटेज में वो एक डिफरेंट चीज हो सकता है। 2022 में डिफरेंट पॉकेट बन गए हैं, होमोजीनियस टाइप की कोई लहर ना बीजेपी के फेवर में है, ना उसके बाद सपा के फेवर में है, ना बसपा के फेवर में है। आएंगे दोबारा, आएंगे, अब रुकिए 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 रुकिए, दोबारा आएंगे, मिश्रा जी अब रुकिए, दोबारा आएंगे। वहां हिंदू मुस्लिम तो 6 दिसंबर 1992 के बाद भी नहीं चला था मिश्रा जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, सवाल यहाँ लोकल पॉपुलेशन की नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक मोहल्ले में अगल बगल जो हिंदू मुसलमान रहते हैं उनमें कभी दंगा या लड़ाई मारपीट नहीं होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में बम तो बनारस में भी फूटे थे, ये चीज भी हमको याद है। पश्चिम और पूरब में सदियों का फर्क रहा है, चाहे वो इंग्लैंड और भारत रहा हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो। इसको समझने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है उसका पॉलिटिकल बिहेवियर समझना जरूरी है, वो ज्यादा धर्म वीरू है। आपने अभी बोला कि सारे हैवी वेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, बीजेपी के सारे हैवी वेट काम जितने भी हुए हैं, चाहे वो काशी का उद्धार करना हो या किसी और का रहना हो, वो सब बनारस में ही हुआ है सर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूर्वांचल का जो गेम है वो बीजेपी के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर। पश्चिम की राजनीति एकदम अलग है, मैकेनाइज्ड लाइफ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो लोगों की प्रेफरेंस और वोटिंग प्रेफरेंस अलग है।
ठीक वहां पे अभी भी सामाजिक ताना बाना एकदम अलग तरीके का है, राजनीतिक ताना बाना अलग है। ठीक है मैं ये जरूर मान सकता हूं ठीक है कि मिश्रा जी, बीजेपी को ठीक डेंट लगेगा, हो ठीक सकता है 2017 जैसा ना हो, हाँ लेकिन बेनिफिट किसको ज्यादा ठीक है मिलेगा, अभी भी मैं बीजेपी को वहां फेवर करूंगा। रही बात कांग्रेस ठीक की, है ठीक है कांग्रेस ठीक है की मिश्रा हालत जी, ऐसी है अभी कि रुको अभी जैसे एक मिनट, हाथी चला जा रहा है और ठीक है अभी कांग्रेस रुकिए कंकड़ मिश्रा मार जी, रही है। ठीक है। अब जो साबुन खरीद रहा है वो भी सरकार को टैक्स दे रहा है, कंघा खरीद रहा है वो भी सरकार को टैक्स दे रहा है, अरे सरकार कोई अपना अलग से तो अन्य पैसा ला रही भैया, कोई सरकार हो, समय भूमि गोपाल की, सब कुछ जनता का है, भारत ही जनता का है, वरना भारत की एक तस्वीर बता दीजिए, नहीं ना, सब 150 करोड़ लोग मिलेंगे तो एक तस्वीर क्रिएट होगी। एके मिश्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा, हाई प्रोफाइल इश्यूज या इवेंट या मॉन्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, उनसे एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होता है इलाके में, मोहल्ले में, जिले में, शहर में, प्रदेश में, देश में, लेकिन वो चुनाव में बहुत निर्णायक नहीं होते। चुनाव में बेसिक और बुनियादी चीजें ही जीत और हार का फैसला करती हैं। इससे आप सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी आपके कहने का मतलब यह है कि जो मुद्दे, जो बातें वोटर के हृदय को, मन मस्तिष्क को छू जाए, वही मुद्दे जो है बड़े कामयाब होते हैं। अब देखिए, अगर हम सारे पार्टियों की प्रोफाइल की बात करें तो एक बंडल के रूप में बीजेपी ने बड़े खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। आप ये देखिए, जो मुद्दा 500 सालों तक रहा, जो आपने बोला कि अयोध्या में 58% ही वोटिंग क्यों हुई, हिंदुस्तान के भूमि की, हिंदुओं की ये एक बड़ी विशेषता है कि पीड़ा अगर कहीं और होती है, अयोध्या में पीड़ा हुआ, दुख हुआ, तो साउथ इंडिया के हिंदू दौड़ पड़े, हर जगह के जो है हिंदू दौड़ पड़े, वहां के लोकल हिंदुओं का हो सकता है योगदान कम रहा हो, कौन लोग गए थे वहां पे बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए, अयोध्या के कितने लोग थे, जितना दान हुआ उसमें अयोध्या का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरीके से अयोध्या में अगर वोटिंग कम हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हार जीत नहीं होगा। ठीक है, वहां नहीं होगा, प्रयागराज से डिसाइड होगा इलेक्शन, बांदा से होगा, बहराइच से होगा, और ठीक 50 ऐसे हाँ, जगह है जगह से जो अयोध्या से दूर है। ठीक तो मुद्दे जगह जो होगा, हृदय हर को टच सीट से करते डिसाइड हैं, होगा। वही ठीक बात होगा। मिश्रा जी, ठीक